सर आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है आशीष सर ने और वीडियो का टाइटल है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए फेमस आईएएस दीपक रावत जी की कहानी जोश टॉक स्पोकन इंग्लिश। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आईएएस दीपक रावत भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईएएस ऑफिसर्स में से एक है। दीपक जी 2017 में गूगल पर वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड आईएएस ऑफिसर थे, और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया पर ही नहीं, ये ऑन ग्राउंड भी अपने सख्त मिजाज और एक एक्शन ओरिएंटेड ऑफिसर के एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। सड़क नहीं बन रही है, खनन की इंडस्ट्री चल रही है। नोबडी इज ब्लडी बॉदर्ड इन मेकिंग द रोड। यहां पे सबका इंटरेस्ट है माइनिंग के ऊपर। आपका फोकस रोड बनाने पे तो लग नहीं रहा, आपको गड्ढा खोदने पर मटेरियल जमा करने पर फोकस है। पर क्या आपको पता है कि बचपन में आईएएस दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। तो आज आईएएस दीपक की कहानी से हम सभी आईएएस ऑफिसर्स जैसी पर्सनालिटी बनाने के लिए लेसन सीखते हैं। पर इससे पहले कमेंट्स में हमें अपने फेवरेट आईएएस ऑफिसर के नाम जरूर बताइए। चलिए अब दीपक जी की जर्नी से सीखते हैं। नंबर वन, हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट डिफाइंस आवर फ्यूचर। आईएएस दीपक रावत बचपन में एकेडमिकली एक वीक स्टूडेंट थे। उन्होंने इसका जिक्र इस वीडियो में भी किया है। पढ़ाई लिखाई में ऐसा मेरा खास मन लगता नहीं था, और मन तो नहीं लगता था, नंबर और भी ज़्यादा ख़राब आते थे। तो मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक ये था कि क्या करेगा। आईएएस दीपक रावत जी की आईएएस की कहानी तो हम सभी को पता है। दो फेल्ड यूपीएससी अटेम्प्ट्स के बाद जब उन्हें तीसरी बार डिजायर्ड रैंक नहीं मिली, तो उन्हें फिर एडी चोटी का जोर लगाकर तैयारी की और फोर्थ अटेम्प्ट में 12th रैंक पाई। वो चाहते तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर गिव अप कर सकते थे, पर उन्होंने अपने प्रेजेंट पर फोकस करके पूरी मेहनत की। तो हम सब भी अभी इस वीडियो से मिली मोटिवेशन को अपने एफर्ट्स में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे। नंबर टू, क्यूरियोसिटी इज द किंग। बचपन में आईएएस दीपक जी एक कबाड़ी यानी कि स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। जी हाँ, और ये इसलिए क्योंकि उन्हें पुरानी और अलग अलग प्रकार की चीजें इकट्ठा करने में बेहद मजा आता था। वैसे तो ये सिर्फ एक 4 साल के बच्चे की इच्छा थी, पर वो कहते हैं कि आज भी अलग अलग एक्सपीरियंस नॉलेज को लेकर उनका यही आउटलुक है। क्यूरियोसिटी तो बच्चे में क्यूरियोसिटी तो हमेशा रहती है। तो कहीं से कोई उठा लिया, पुराना टूथपेस्ट उठा लिया, पॉलिश के डब्बे उठा लिए, और फिर मैं उसकी सुबह सुबह एक दुकान सी लगाता था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई ये क्या है, तुमने कहा सब कबाड़ है ये। अच्छा। तो वो कहते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो हमने कहा हम कबाड़ी बनना चाहते हैं। मुझे लगता था ये पेशा बड़ा अट्रैक्टिव है, इसमें रोज नई नई चीज़ें मिलती हैं, आप जगह जगह जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, भले ही आप नालों को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आई यूज टू फाइंड इट वेरी 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 अट्रैक्टिव कि बड़ा अच्छा पेशा है, इसमें नई चीजें मिल रही हैं। उसको मिस नहीं करते क्या? मिस करते हैं। मिस तो मैं करता हूं, मैं अंदर से अभी भी वैसा ही हूं। एज एन आईएएस ऑफिसर उन्हें अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके हर तरह के पर्सपेक्टिव को लेकर चीजें समझने की रुचि है, और हमें भी अपनी क्यूरियोसिटी यानी नई चीजें जानने की इच्छा और एक कबाड़ की तरह हर चीज में कुछ अनोखा देखने की एबिलिटी जगाए रखनी चाहिए। नंबर थ्री, एवरी वीकनेस इज अ स्ट्रेंथ। आईएएस दीपक जी इस वीडियो में बताते हैं कि उनकी बचपन से ही एक वीकनेस थी। preparing for the IAS, तो मेरी handwriting डॉक्टर से भी खराब है, और मैं लिखता भी इतना धीरे हूं कि मेरा पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यार अब इतने बड़े बड़े हैंडीकैप्स हैं, आप कैसे एग्जाम निकालोगे, ये लिखते भी धीरे हो और खराब भी लिखते हो। तो अगर आप लिखते खराब हो तो उसको अच्छा लिखने का क्या तरीका है कि आप और धीरे लिखो। तो अगर आप और धीरे लिखोगे तो आपकी स्पीड तो पहले से कम है, तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो आई डिवाइस दिस मेथड कि मैं धीरे ही लिखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब जब जो मेरी जो ऐसी मेरी कमजोरी जिससे मैं पार नहीं पा सकता तो उसको मैं अपना ही लूं। द रिजल्ट वॉज कि क्योंकि मैं धीरे लिखता था और कम लिखता था, तो मैं बहुत प्रिसाइज लिखता था। जो बोलना है बस उतना ही कहना है। आज भी मैं जब मीटिंग्स लेता हूँ, सरकारी मीटिंग्स लेता हूँ, तो मुझे बस गिनी चुनी चीजें चाहिए। द पॉइंट इज दैट आप कितनी भी बड़ी वीकनेस के साथ पैदा हुआ हूं, कहीं ना कहीं वो वीकनेस एक प्रकार की स्ट्रेंथ भी होती है। अपनी बुरी हैंडराइटिंग को दीपक जी ने एक रुकावट या हर्डल की तरह नहीं लिया, बल्कि एक ऐसे टूल की तरह देखा जिससे वो प्रिसाइज और टू द पॉइंट आंसर लिख पाते थे। इससे उन्हें यूपीएससी एग्जाम और इनफैक्ट आज भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को स्कैटर होने की जगह एकदम टू द पॉइंट रखकर लिखते हैं। वाह, सोचिए अगर हम भी अपने हर वीकनेस को इस नजरिए से देख पाए तो जिंदगी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए कॉमेंट में अपनी वीकनेस बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि ये वीकनेस कैसे हमारी ताकत
ताकत भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग पर। नंबर 4, वर्क हार्ड बट एंजॉय द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ एज वेल। आईएएस की परीक्षा के लिए वैसे तो दीपक जी की हर टिप ही कीमती है, पर इस वीडियो में वो यूपीएससी के प्रिपरेशन को देखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो इसकी तैयारी में अपने आप को थोड़ा सा बोझ महसूस करते हैं और उस बोझ से उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो इतना बोझ ले लेते हैं अपने ऊपर कि साहब ये तो बहुत ही मुश्किल, और अपने आप ही उसको इतना मुश्किल मान लेते हैं कि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी चाहिए उस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि नॉर्मल आदमी की तरह रहिए, पिक्चर देखिए, घूमिए फिरिए, पढ़ने का एक टाइम होता है उसमें पढ़िए भी, बाकी चीज़ें भी करिए, लेकिन एक एग्ज़ाम है जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको एक अच्छा आंसर देना है जो कि सिंपल होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है यथासंभव वो एड्रेस होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। हम में से कितने लोग यहाँ आईएएस एस्पिरेंट्स हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे दीपक जी ने समझाया, तैयारी पूरी करें पर इसे एक एग्जाम की तरह ही लें और जिंदगी की छोटी खुशियों का मजा लेना ना भूलें। दीपक जी आज भी अपने काम के वक्त बिल्कुल डिसिप्लिन से काम करते हैं और आराम के वक्त पूरे दिल से आराम करने में और क्वालिटी टाइम विद फैमिली बिताने में बिलीव करते हैं। नंबर 5, ऑलवेज पे इट फॉरवर्ड। आज हमें लाइफ में जो भी मिला है वो बहुत से लोगों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद से मिला है, इसीलिए हमें अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों को अपने लेवल पर लाने के लिए पास ऑन करना चाहिए। अभी कुछ सेकंड लीजिए और आंखें बंद कर उन लोगों को याद करिए जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। बस आप इन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए और इस गिविंग मेंटालिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी के चलते आईएएस दीपक जी भी एक एम्पैथेटिक पर्सनालिटी है और यही एक मेजर कारण है उनके एक अच्छे आईएएस ऑफिसर होने का, क्योंकि उनको पता है कि जनता किन मुश्किलों से गुजर रही है। आईएएस ऑफिसर इन मुश्किलों को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है एम्पैथी रखना। हेलो बेबी, क्या नाम है आपका? दिया। और दिया सो प्रिटी, सो क्यूट, किस क्लास में पढ़ते हैं आप बता दो? किंडरगार्टन स्कूल में। किस स्कूल में पढ़ते हैं? और आप आए डॉक्टर साहब के पास आए? तो आपका नाम बटवाल बताना। दीपक जी अक्सर दूसरों की हेल्प करने का मैसेज हम सभी से शेयर करते हैं। अब दीपक जी की इसी बात का सार लेकर अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो इसे अपने आईएएस एस्पिरेंट दोस्त से जरूर शेयर करें, उन्हें अपनी तैयारी के लिए और भी मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जोश किल्स के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग विद जोश किल्स। शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके पहले जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जो स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वो कैप्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ स्विगली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश इसके लिए काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, सो डेट वाई टूडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो नो डाउट आईएएस बनना जो है एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वैसे जो हमने जितना उसे देखा है, जितना जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है। लेकिन दीपक जी की भी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि आप चीजों को जब एक स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं ना, उसके एंजाइटी बना लेते हैं, तो आप जो है ना वो चीजों को खराब करना शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी अगर ऐसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, तो हम लोग ना एक मैं ये नहीं कहूंगी कि हाइप क्रिएट करते हैं, बट एक हाइप इसलिए क्रिएट कर देते हैं कि बड़ा भाई बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो उतना बड़ा हमें स्ट्रेस लेना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिस तरीके से दीपक सर ने बताया कि आप इसको लाइटली लें, अब जैसे हम लोगों ने एस्पिरेंट्स भी देखी थी, उसमें भी हम लोगों ने यही देखा कि हाँ बहुत स्ट्रेस होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा वो पढ़ते हैं, हर टाइम पढ़ना पढ़ना। इवन कि हम लोग इतनी सारी वीडियोज देखते थे, तो हम लोग कहते हैं यार ये इतना कैसे पढ़ लेते हैं, मैं इतना नहीं पढ़ सकती, ये सच्ची बात है। बट ये कि अगर आप एक एक पैटर्न फॉलो करो, तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। यानी कि जैसे हम नॉर्मल रूटीन में बाकी स्टडीज करते हैं, उसी तरीके से जैसे सर ने बीच में बोला कि आप मूवीज देखें, बाहर जाएं, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, बट आई थिंक कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट भी बन जाता है कि फैमिली की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, जो बच्चों को ज्यादा चीज जो मारती है वो फैमिली प्रेशर ही मारती है, क्योंकि फैमिली की तरफ से एक जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि हमारा बच्चा ये कह रहा है, वो कह रहा है, फिर वो जो है ना फैमिली के साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, सबकी नजरें जो है ना वो फिर आप पे होती हैं कि यार ये बंदा ये कह रहा है, ये बन के निकलेगा। और फिर जब आप उम्मीदों पे नहीं ना उतरते, तो वो जो आप अंदर से फिर वो एक फीलिंग्स होती है ना, वो आपको बहुत ज्यादा झंझोड़ती है कि यार मैं पता नहीं शायद इस काबिल नहीं हूँ, ये है वो है। लेकिन हर इंसान जो है ना अपनी जगह कहीं ना कहीं स्पेशल होता है, हर इंसान की जो है एक वो कह लें कि ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर प्लान किया था कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करे, यानी कि कुछ अचीव करे। तो दीपक जी वाली बात है कि आपको अपने अंदर जो है अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत जो है वो देखनी है, उन्हें पहचानना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है कि भाई हाँ ये मेरी वीकनेस है। हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो मसला मुझे यहां पर खासतौर पर नजर आता है कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर ये खामी है। वेल मैं कहूंगी कि मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी आज की वीडियो में कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। जैसे उन्होंने अपना एक वीक पॉइंट बताया, और हम लोग यूजुअली रिलक्टेंट होते हैं अपने वीक पॉइंट्स बताने में। वैसे मैं सीरियसली सोच रही थी वीडियो देखते देखते कि जब मैं वीडियो बोलता कि इंटरेस्टिंग है पॉइंट के हमारे कौन से वीक पॉइंट्स हैं, तो मैंने कभी वैसे ऐसे सोचा नहीं है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। बट अगेन मौजम जो है, मौजम तुम्हें मैं टाइम दे रही हूँ, तुम सोच लो। मैं वीडियो देखते बारे में ये चीज जानना चाहूंगी कि भाई मेरा वीक पॉइंट क्या रहता है लाइफ में कि जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ। बट आई थिंक मेरा अभी तक का जो सबसे ज्यादा रहा होगा, शायद मैं इमोशनल बहुत ज्यादा रही होंगी, और वो अब आकर मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक चीजों को सही कर लिया, कंट्रोल कर लिया हुआ। अदरवाइज पहले तो बहुत ही अजीब किस्म की मेरी हरकतें होती थी, इन द सेंस कि छोटी छोटी बात पे रोना, और बहुत ज्यादा एक किसी की बात किसी ने बताई नहीं और पागल बन जाना, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस तरह वाली चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट रहा होगा। अब मौसम का क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं मौसम से पूछना चाहूंगा। मैं अगर बात करूँ तो अगर मैं जब अपने पास्ट को देखता हूँ ना, तो मेरा जो सबसे वीक पॉइंट यही रहा कि लोग मुझे इमोशनली बहुत जल्दी पागल बना दिया करते थे। इमोशनल मौसम बिल्कुल हम थे, बिल्कुल घर में ज्यादा इमोशनल बिल्कुल बिल्कुल अभी भी है, लेकिन अब वो लेवल नहीं है अब। यानी कि अगर हम इमोशनल होते भी है ना, तो हम उस पे पहले कई बार सोचते हैं, कई बार बात करते हैं, पहले नहीं थे सोचते, पहले किसी ने कुछ बताया फौरन से इमोशनल हो गए, अच्छा यार इस तरह कर देते, चलो कोई बात नहीं, ये है वो है। लेकिन अब होता है ना, अब हम हर रिस्पेक्ट से सोचते हैं कि यार ये अगर हम करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि चीजों को सोच समझ के किया जाता है। और एक और मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि आईएएस बनने के बाद या कोई बड़ा ओहदा जो है जब आपको मिलता है, तो उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो किस तरह निभा रहे हैं। मैं अगर जैसे दीपक जी की बात करूं, तो अभी हमने जैसे वो वीडियो में देखा कि वो जाकर जिस तरह मटेरियल की बात कर रहे थे कि लग नहीं रहा कि आप सड़क बना रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज जो है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से निभाना, उन्हें पूरा करना, ये बहुत बड़ी एक चीज होती है कि याद रखना चीजों को। बिल्कुल, और मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं कोरोना के बीच में, इन्होंने मतलब बहुत सारे लोग जो लोग मास्क नहीं पहनते थे, और आई थिंक पेट्रोलिंग पर होते हैं जब, मतलब के अचानक से विजिट कर देना,
तो ये सारी मतलब बहुत सारी वीडियोज नहीं बट कुछ मैंने देखे, मैं देखकर पहचान गई थी कि ये वो ही वाले हैं। लेकिन मैं इस चीज से भी अग्री करूंगी कि जब आपको अपनी आप एक लाइफ में एक स्टेटस आप मिल जाता है, आपको एक पोजीशन मिल जाती है, उसके बाद उसके साथ जस्टिफाई करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके हाथ में पावर आ जाती है और पावर को बैलेंस रखना मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको आपके पास बहुत सारी चीजें आपके अराउंड ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपको हम कहेंगे वर्गलाते हैं, जो उसका मिस यूज करने के तरफ भी आपको लेकर आते हैं, बट आप कितने स्ट्रॉन्ग हो या आप किस तरीके से अपना डिसीजन लेते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जैसे मैं दीपक सर की बात करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बहुत उनकी पर्सनालिटी में यू नो जैसे अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखो बहुत हम्बल दिखते हैं वो, उनका बात करने का तरीका देखो। और IAS ऑफिसर बनने के लिए मैंने ये देखा है कि जितनी भी वीडियोज मतलब हम लोगों ने देखी है मतलब मैं ये कहूंगी कि जो मैंने वीडियो ज्यादातर देखी उसमें ये देखा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट बच्चों ने कोई IAS हमेशा नहीं मतलब ऑफिसर बने, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं थे बट फिर भी वो IAS ऑफिसर बन गए। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी जैसे इसके बीच में बोलती है, आपकी क्यूरियोसिटी ना आपको बहुत आगे लेकर जाती है, आपको जितनी तजस्सुस होगी ना चीजों को जानने के बारे में उतना ज्यादा मुझे लगता है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप लोगों के साथ बात कर पाओगे, लोगों को समझा पाओगे। बट एक चीज लास्ट में जैसे आगे वीडियो जो है वो खत्म होने के बाद एक जोश ऐप के बारे में उन्होंने बात की और इंग्लिश का प्रॉब्लम डिस्कस किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये एक प्रॉब्लम रहता है, मतलब नहीं ये प्रॉब्लम बहुत सारे हम में से लोगों को रहता है क्योंकि हम लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे होते हैं जब हमारी यू नो हमारी स्कूलिंग होती है या फिर हम लोग आगे कॉलेज में जाते हैं, चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए, अभी भी मैं ये बात सोचती होती हूँ कि मतलब मैं खुद ये कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया वर्ड सीख सकूँ, मैं कुछ नया पढ़ सकूँ, मैं इंग्लिश के बारे में जान सकूँ, मुझे खुद शौक है कि मैं अच्छे से मतलब इस लैंग्वेज को समझ सकूँ और सीख सकूँ। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि आप इसको इस पर एम्बैरस हों कि हमें नहीं आती, आपको ये चीज माननी चाहिए और सीखनी चाहिए हर वो चीज, सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात नहीं करी क्योंकि हमारे यहाँ पर ना थोड़ा सा एक मैं कहूंगी कि कुछ एक सर्टन क्लास है जो बड़ी वॉनबी टाइप की होती है और वो बड़ा अपनी तरफ से शो ऑफ कर रहे होते हैं कि हमें बड़ा कुछ आता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ नहीं आता, आप वक्त के साथ साथ चीजें सीखते हो। और कुछ इतने मैं कहूंगी कि कम अकल लोग होते हैं जो कि आपको छोटी छोटी बातों पर ना जज करना शुरू हो जाते हैं। यार असल में ना यहाँ पे वो बात आ जाती है कि हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह की हो चुकी हुई है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, नहीं तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि यार ये फलाना बंदा वहां पे मुझे लेकर जाएगा, वहां पे मुझे इंग्लिश में बात करनी होगी। तो ये जो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स डाल दिए गए ना हमारे लोगों की तरफ से हमें, ये हमें जो है नो डाउट बहुत पीछे रखा हुआ इन चीजों ने हमें। को देखा लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं, इवन मैं ये भी बात बोलूंगी मैंने यहां तक देखा है कि अगर जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना तो भाई पता नहीं कौन कौन सी जुबान के मेन्यू बीच में लिखे होते हैं, भाई उसमें फ्रेंच भी आ जाते हैं, इटालियन भी आ जाते हैं, आपको नहीं पता होता। तो मैं अपनी बात को मुझे नहीं पता होगा ना तो मैं तो वेटर से पूछती हूँ भाई मुझे पहले इसका नाम बताओ कि ये है क्या। और पता है इन चीजों में आपको नहीं सीरियसली मुझे लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए और ना ही आपको किसी का कॉन्फिडेंस शेक करना चाहिए, बल्कि इसको बहुत नॉर्मल लेना चाहिए और लोगों को भी इस साइड पर लेकर आना चाहिए कि ठीक है एक लैंग्वेज है इसको सीखो अच्छी बात है, बट ये आपकी शर्मिंदगी का बायस बनना चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे तो यहाँ पर बहुत ये चीज नजर आती है। वेल एनीवे गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ज्यादा ज्यादा बस ये बात बोलूंगी कि इसी चक्कर में ना अंग्रेजी बोलने के चक्कर में बहुत सारे लोग ना फनी अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाते हैं जो कि सुनने में और भी ज्यादा मजा आता है। तो खैर आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।